वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब लूट के तीन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बीते दिनों तीन नकाबपोश द्वारा भाई बहन के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटा गया जेवरात सहित 315 बोर के तीन तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद कर लिया है और आरोपी जो हमीरपुर जिले का रहने वाला है उसके ऊपर से मुकदमे दर्ज है। बाकी दो आरोपियों के इतिहास को खंगाला जा रहा है। हाँ, ये कोतवाली थाने में 20 तारीख को 392 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें एक महिला के विभिन्न गहने जो हैं तीन अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा लूटे गए थे। इस संबंध में कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और जो महिला थी उसके लूटे गए समस्त ज्वेलरी बरामद की गई है इसमें और तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक अभियुक्त जो हमीरपुर का रहने वाला है उसके विरुद्ध पहले भी लूट के अभियोग और गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत हैं। इसमें शेष पुलिस और विधिक कार्रवाई की जाए। महोबा जिले में लंबे समय से चल रही अवैध शुभम नामक गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गुटखा बनाने वाली मशीन सहित रैपर तंबाकू सुपारी सहित भारी मात्रा में गुटखा और एक लोडर गाड़ी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक अवैध गुटखा फैक्ट्री को पकड़ा गया है जिसमें तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों के पास से गुटखा बनाने वाली मशीन और भारी मात्रा में सारे सामान को बरामद कर लिया गया है। थाना खन्ना में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई है जो थाना खन्ना की पुलिस टीम और स्वाट की संयुक्त टीम के द्वारा ये प्रयास किया सफल हुआ है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी रेड में शामिल किया गया था। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इसमें गुटखा बनाने की पूरी मशीनें और विभिन्न गुटखा पाउचेस जिसमें शुभम और शिवम नाम से जो है ये ब्रांड बनाकर गुटखा बेचा जा रहा था। और इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आगे की खबरों के लिए KNews India के साथ। नमस्कार।